आइए हम सब परमेश्वर की आराधना के लिए एक भजन और गाते हैं। गीत हम सबको आता होगा, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। ठीक है, तो चलिए हम ताली बजाकर ये गीत गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, जीवित परमेश्वर की आराधना हम कर सकें इन पहाड़ों की वादियों में, जहाँ पर के कई बार संसार को अचंभा लगता है, असंभव लगता है कि इन वादियों में, ऐसी जगहों पर जहाँ पर के लोग पहुँच नहीं सकते हैं, सुविधाएँ इतनी आसानी से नहीं पहुँचती हैं, ऐसी जगह पर परमेश्वर का वचन पहुँचा है ना। तो हमारा परमेश्वर जो है वो ऐसा महान परमेश्वर है। अगर हम इस बात को सोचें, इस बात के ऊपर हम विचार करें कि कहाँ इतनी बड़ी दुनिया में ये छोटा सा एक गांव है, उत्तराखंड का क्षेत्र है, और यहाँ पर एक छोटे से गांव में किस तरीके से परमेश्वर का वचन आ गया, कौन वो व्यक्ति है, कौन वो मतलब परमेश्वर का अभिषिक्त एक जन है जो वचन को लेकर आया। और सबसे बड़ी बात यह कि परमेश्वर ने आपके और मेरे मन को खोला कि हम उसको पहचान सकें, है ना। संसार में इतने सारे लोग हैं, बहुत से ऐसे हैं कि जो मतलब जान देने को तैयार है लेकिन वो परमेश्वर के वचन को मानने के लिए तैयार नहीं है। जान देने लेने को भी तैयार है, देने को भी तैयार है। बहुत से लोगों को पकड़ के मार दिया गया है ना। बहुत सी हम खबरें सुनने में आती हैं कि सुसमाचार प्रचारकों को, जिन लोगों जो लोग परमेश्वर का वचन सुनाने जाते हैं जगह जगह पर, उनको पकड़ के लोग मार देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर का वचन लेके गए। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम परमेश्वर का वचन यहाँ पर बोल रहे हैं और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आप इसको किसी आपको किसी भी तरीके से इसको कम मत समझना, ठीक है। ये बहुत सौभाग्य की बात है। एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता से, भजन संहिता अध्याय 23 पढ़ेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद, जो प्रभु ने आज के दिन पे यहाँ पे संगति बिठाई, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभु ने आज का दिन यहाँ पे निश्चित किया था। मैं प्रभु की महिमा के लिए एक गढ़वाली भजन गाना चाहता हूँ जो हमने खुद ही तैयार किया है, तो सभी भाई बहन मेरे साथ ही इसको गाएंगे। सुन हे यहोवा जी बिनती हमारी, बिनती हमारी, अर्ज हमारी, बिनती हमारी, अर्ज हमारी। सुन हे यहोवा जी बिनती हमारी, सुन हे यहोवा जी बिनती हमारी, बिनती हमारी, अर्ज हमारी, बिनती हमारी, अर्ज हमारी। हमारा बाना प्रभु यीशु भेजी, हमारा बाना प्रभु यीशु भेजी, यीशु भेजी हमारा बाना। और उत्तराखंड में, और धन्यवाद है पिता परमेश्वर का, और हम उस महान जिंदा ईश्वर जगत की ज्योति, हम उसके लिए धन्यवाद करेंगे कि जिसने सूरज को बनाया, जिसने चांद को बनाया, जिसने हमको भी बनाया, तो उसके लिए धन्यवाद है, लाखों करोड़ों धन्यवाद। जितनी भी धन्यवाद करें उतनी भी कमी कम है पिता। और पिता परमेश्वर, जब महामारी और ये आई ना दुनिया में, और कि कोरोना आ गया, तो पिता ने क्या किया कि जाओ अपनी कोठरी में और दरवाजा बंद करके सब जगह, जब हम देव देवता को पूजते थे तो हम क्या करते थे कि सारी चोटी चोटी में जाती थी हम भक्ति करने के लिए ना। तो पिता परमेश्वर ने बोले ना
कि सब जगह के किवाड़ बंद हो चुका है और तो हमारे परमेश्वर का दरवाजा खुला है, खुला है। पिता हम उसी की धन्यवाद करेंगे, जब तक हम पर जीवन रहेंगे उब तक हम उसी के स्तुति करते रहेंगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे गांव में ना बहुत आवाज आती थी भूत की, बहुत बहुत आवाज आती थी। कोई बात नहीं, ऐसी नहीं। हाँ, कि आवाज आती थी तो उस गांव में बहुत बहुत सारे लोग ये नहीं भूत से मर जाती थी कि भूत लग गई अब मर जाती थी। तो हमारी गांव में भी वहां पर भूत कोई नाम ही नहीं आए। पिता परमेश्वर वहां पर आपकी ज्योति हर हर कोने में चमक रही है ना। धन्यवाद परमेश्वर, तेरे धन्यवाद, लाखों करोड़ों धन्यवाद। पिता मैं जब बीमार हुई हूँ पिता, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुई हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार हुई हूँ पिता, मेरे बचने कोई आस नहीं चाहे। पिता तेरे धन्यवाद, तू इन मैं ठीक करी हूँ पिता, तू ही पर रहे मेरे साथ, रोज रात मैं तेरे भजन कर सो पिता परमेश्वर, जगह जगह बिटिन मेरे बान भजन करी लोगों पिता। ये सुरा तेरी धन्यवाद, तुम लोग सहारो छो, तुम पिता को सहारो छो। पिता कोरोना की शिकायत है और ये इतनी उम्र में आप देख सकते हैं कि इन्होंने गढ़वाली भाषा में बोल रहे थे, शायद जिनको नहीं समझ आया हो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि जिस वक्त सारी दुनिया के दरवाजे बंद हो गए थे और सारे रास्ते इनके लिए बंद हो गए थे, कोई नहीं था वहाँ पर जहाँ पर ये थे उसमें क्वारंटीन वार्ड में, और उस वार्ड में ये लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते थे, अकेले में परमेश्वर से जो है परमेश्वर के भजन गाते रहते थे और प्रार्थना कर रहे हैं। इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है, धर्म इंसानों ने बनाए हैं, ठीक है, धर्म इंसानों ने बनाए हैं। और जिसकी हम आराधना कर रहे हैं वो एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर है, उसके अलावा और कोई भी परमेश्वर नहीं है। वो सबसे ऊपर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, उससे ऊपर कोई नहीं है। तो आप सब लोग भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और आशीष पाएं। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16, ध्यान से सुनना सभी, ठीक है। ये बहुत गंभीर वचन है, बहुत गंभीर बात है, मैं सबसे कह रहा हूं बहुत गंभीर बात है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो अध्याय 16 आयत 19 में क्या लिखा है मैं पढ़ रहा हूं, आप सब ध्यान से सुनना कि एक, हाँ मैं पढ़ता हूं, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और धूमधाम के साथ रहता था, ठीक है। बैंगनी कपड़ा जो बोला जाता है ना, उस टाइम में बैंगनी और जो लाल रंग के कपड़े है ना, ये राजसी ठाट बाट दिखाते थे, यानी कि बैंगनी कलर सिर्फ वही पहन सकते थे जिनके पास बहुत पैसा है, जो धनवान है। आम आदमी बैंगनी कलर का वस्त्र नहीं पहन सकता था, बैंगनी कलर का और मखमल का वस्त्र होता था और वो ओढ़ते थे अपने ऊपर उसकी तरह, और उसका मतलब था कि उसको जो देखता था ना वो समझ जाता था कि यार ये तो बहुत धनवान है। और जो आम आदमी थे, गरीब आदमी, वो चमड़े का चोगा पहनते थे या साधारण कपड़े का एक सिला हुआ चोगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह भी पहना करते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक गरीब परिवार से थे, ठीक है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक चोगा पहनते थे। आमतौर पर जो गरीब होते थे ना उस समय पर, वो बिना सिलाई का कपड़ा, मतलब ऊपर से नीचे तक पूरा एक ही चोगा, ये गरीबी की पहचान होती थी। और जो अमीर था उसकी पहचान होती थी कि वो नीचे से जो है नीचे एक वस्त्र पहनते थे, उसके ऊपर वो जैकेट टाइप का वो होता था, और उसके ऊपर बैंजनी वस्त्र पहनते थे। ये धनवान होने की निशानी थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से रहता था। कैसे? सुख विलास और धूमधाम से, ठीक है। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, ठीक है। और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। लाजर नाम का एक कंगाल, एक जो है उसकी उसकी डेली पर छोड़ दिया जाता था। कंगाल का मतलब भिखारी, मतलब जिसके पास खाने को नहीं, जिसके बदन में फोड़े हैं पूरा सारा बदन उसका, मतलब गरीबी बिल्कुल भिखारी टाइप का इंसान, उसकी डेली पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। कौन चाहता था? लाजर। वो चाहता था कि जब वो खा ले तो उसका जो उसके मुंह से गिरा हुआ, उसकी चम्मच से गिरा हुआ जो नीचे गिरे, और जब वो उसको सकेर के नीचे फेंके तो वो फेंका हुआ वो निर्धन जो व्यक्ति है वो उठा के उसको खाए और उसको खा के अपना पेट भरे, ठीक है। यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे, ठीक है। तो उसके जख्म कोड़ होगा और उसकी चोटें लगी होंगी, पूछने वाला तो कोई है नहीं। तो उस टाइम पर जो वैद्य और जो पढ़ाई लिखाई है गरीब आदमी को नहीं मिलती थी,
अगर चोट लगी है तो चोट के साथ ही जीना है। आज तो ऐसा होता है ना, हमारे पास चोट लगी तो डॉक्टर के पास चले गए, दवाई खाली, उस टाइम पर ऐसा नहीं था। तो जो बीमार है, जो गरीब है, उसको इलाज कराने की सुविधा नहीं थी उसके पास, उसको गरीबी में ही मरना था। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, ठीक है, और स्वर्गदूत उसे लेकर, स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। अब्राहम की गोद क्या है यह मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। और धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। ठीक है, दोनों मर गए। जब जो निर्धन इंसान था, जो गरीब था, जब वो मरा तो स्वर्गदूत उसे लेकर गए कहां पर, अब्राहम की गोद में। और जो धनवान व्यक्ति था, जिसने अपना सारा जीवन धूमधाम से बिताया, ऐशो आराम में बिताया, जब वो मरा तो वो मर के कहां पहुंचा, अधोलोक में, यानी नरक में, नरक में पहुंच गया। और वहां पर वो पीड़ा में पड़ा हुआ तड़प रहा है, मर रहा है, जल रहा है, और वहां से उसने देखा कि जो लाजर है, जो उसकी देली पर पड़ा रहता था, उसके टुकड़ों पर पलता था, और कुत्ते जिसके जख्म को चाटते थे, वो मरा है, लेकिन वो नरक में नहीं गया, वो अब्राहम की गोद में गया है। ठीक है, वहां से वो पड़ा हुआ उसको देख रहा है। अब आगे क्या होता है, तब उसने पुकार कर कहा, किसने, धनवान व्यक्ति ने पुकार कर कहा कि हे अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। अब अब्राहम की गोद क्या है, यीशु मसीह के आने से पहले जितने भी लोग मरते थे वो सीधा स्वर्ग में नहीं जाते थे, ठीक है, वो जाते थे अब्राहम की गोद में। क्यों, क्योंकि जब तक उद्धारकर्ता संसार में नहीं आया और उसने मानव जाति का उद्धार नहीं किया, तब तक कोई भी व्यक्ति इस योग्य था ही नहीं कि वो स्वर्ग में जा सके। ठीक है, वो लोग जाते थे अब्राहम की गोद पर, अब्राहम की गोद में बहुत थोड़े लोग जा पाते थे। ठीक है, ज्यादातर लोग आज की डेट में भी क्या है, नहीं, धनवान व्यक्ति, धनवान व्यक्ति कभी परमेश्वर के वचन की ओर नहीं जा सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, या तो तुम धन की सेवा कर सकते हो या परमेश्वर की सेवा कर सकते हो। जो इंसान धन के पीछे रहेगा वो कभी परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दे सकता। ठीक है, अगर यीशु एक धनवान व्यक्ति ने यीशु मसीह से बोला कि हे प्रभु, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, ठीक है, वो बहुत धनवान था, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, उसकी शक्ल को देखकर बोला कि ये व्यक्ति अपने पैसे के पीछे बहुत लालची है, तो प्रभु ने बोला कि ऐसा कर, अपनी सारी संपत्ति बेच दे और कंगालों को दे दे और मेरे पीछे आ जा। ठीक है, ऐसा क्यों बोला प्रभु ने, क्योंकि वो व्यक्ति जो था वो अपने पैसे का बहुत लालच करता था और पैसे के पीछे बहुत भागता था, उसका मन अपने पैसे पर था, तो इसलिए प्रभु ने बोला कि तू जब तक तेरे पैसे में तेरा मन है ना, तब तक तू वचन पे नहीं आ सकता और उद्धार नहीं पा सकता। अगर तू उद्धार पाना चाहता है तो अपने पैसे को छोड़ दे। ठीक है, यीशु मसीह ने बोला कि पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा मत करो, क्योंकि यहां पर चोर चुराता है और यहां पर कीड़ा तुम्हारे नोट खा जाएगा, लेकिन वहां पर अपने लिए धन इकट्ठा करो स्वर्ग में। तो यहां पर क्या हो रहा है कि निर्धन मारा, जो गरीब था, भिखारी था, वो मर गया। ठीक है, धनवान मर गया, धनवान व्यक्ति जो है वो पहुंचा नरक में, और निर्धन लाजर जो है वो पहुंचा अब्राहम की गोद में। और वहां पर जो धनवान व्यक्ति है वो नरक की ज्वाला में तड़प रहा है, और अब्राहम को बोलता है कि हे पिता अब्राहम, इसको बोल दे लाजर को कि ये मेरे पास आए और एक पानी में अपनी उंगली डुबा के और मेरी जीभ में एक बूंद पानी डाल दे, क्योंकि मैं यहां पर तड़प रहा हूं। इससे क्या सीख मिलती है, क्या समझ आता है हमें, कि आत्मा को दुख पहुंचता है। ये कौन है, धनवान व्यक्ति है, उसकी आत्मा वहां पर ज्वाला में तड़प रही है। इसका मतलब परमेश्वर का वचन हमसे साफ साफ कहता है कि जब हम नरक, जब एक व्यक्ति की आत्मा नरक में जाती है तो वहां पर उसको तड़पन होती है। यहां पर जब अगर हम किसी व्यक्ति को जिंदा जला दें, आग में रख दें, तो कैसे करेगा वो, क्या करेगा वो, तड़पेगा वो, तड़पेगा वो, जब तक उसके प्राण नहीं निकलते तब तक वो तड़पता रहेगा। ऐसे ही वो धनवान व्यक्ति भी वहां नरक की ज्वाला में तड़प रहा है, लेकिन पृथ्वी में और वहां पर फर्क क्या है कि यहां पर जो आग से जो तड़पन है, जो जलन है, वो थोड़े समय की है, प्राण निकल गए तो खत्म, लेकिन नरक में वो कभी प्राण नहीं निकलेंगे, वहां पर वो तड़पन हमेशा 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 के लिए चलती ही रहेगी। ठीक है, अब यहां वो तड़प रहा है वहां पर, और बोल रहा है कि हे पिता अब्राहम, इस लाजर को बोल दे कि सिर्फ एक बूंद पानी मेरी जुबान पर डाल दे, मैं यहां पर बहुत तड़प रहा हूं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, परंतु अब्राहम ने कहा कि हे पुत्र, स्मरण कर, याद कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है।
हाँ ठीक है। और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, ठीक है। अब धनवान व्यक्ति जो है वो तो अच्छी वस्तुएं भुगत चुका है, लेकिन धनवान व्यक्ति ने अपने धनवान रहने के समय पर कभी ये जरूरत नहीं समझी कि मैं कभी इस जीवन में तो मैंने बहुत कमा लिया लेकिन दूसरे जीवन के लिए भी थोड़ा कमा लूं, उसने कभी जरूरत नहीं समझी। क्योंकि एक व्यक्ति जिसके पास पैसा है ना, उसको अपनी गाड़ी में घूमना है, उसको पार्टियों में भी जाना है, उसको ऐशो आराम भी करने हैं, मौज मस्ती करनी है, दुनिया घूमनी है, उसके पास टाइम ही नहीं है। अगर किसी धनवान व्यक्ति को हम बोलेंगे कि भाई थोड़ा सा आ जा हमारे साथ बैठ के भजन कर, करेगा कभी? कभी भी नहीं करेगा। वो बोलेगा चल यहाँ से, हमारे पास पैसा है, हमें क्या ज़रूरत है यहाँ पर बैठने की। तो क्या होता है कि उसने सारी अच्छी वस्तुओं, और वैसे ही जो निर्धन गरीब था वो निर्धन रहा, वो भूखा प्यासा रहा, लेकिन वो उसने हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद किया, ठीक है। उसने ये भी समझा कि मैं निर्धन तो हूँ लेकिन सिर्फ आज निर्धन हूँ, लेकिन जब मैं मरूंगा और मरने के बाद जब मैं दूसरे जीवन में जाऊँगा वहाँ पर मैं निर्धन नहीं रहूँगा, इस बात को समझते हुए उसने हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद किया। उसने हमेशा परमेश्वर को कहा कि हे परमेश्वर इस जीवन के लिए तेरा धन्यवाद, तूने जो कुछ मुझे दिया है, बेशक मैं बचा कुचा खा रहा हूँ, जूठन पीटन खा रहा हूँ, लेकिन मेरे पेट में तो जा रहा है। इस जीवन में मैं जो जैसा भी हूँ लेकिन मुझे पता है कि दूसरे जीवन में मैं ऐसा नहीं रहूँगा, वहाँ पर मैं धनवान हूँ, ठीक है। तो वो धन्यवाद करता रहा। उसके बाद क्या होता है, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। अब्राहम कह रहा है धनवान व्यक्ति को कि ये तो शांति पा रहा है लेकिन तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक गढ़ा ठहराया गया है कि जो यहाँ से तुम्हारे पास उस बात तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके, ठीक है। यानी कि ये जो जगह है ना अब्राहम की गोद, इसकी ज़रूरत सिर्फ तब तक थी जब तक कि उद्धारकर्ता संसार में नहीं आया था, ठीक है। उद्धारकर्ता संसार में आया, उसने हमारे पापों के बदले अपनी जान दी, ठीक है, सुन रहे सब। यीशु मसीह संसार में आया, उसने हमारे पापों के बदले अपनी जान दी, परमेश्वर होते हुए भी उसने हमारे पापों के बदले अपनी सजा जो है क्रूस पर सजा भुगती और एक पवित्र जीवन जिया, वो काम किया जो हमें करना चाहिए था। उसने हमारे लिए एक पवित्र जीवन जिया और हमारी वो सजा यानी अपने प्राण दिए जो हमें भुगतनी चाहिए थी, और वो भुगत के उसने हमारे लिए एक द्वार तैयार कर दिया, एक रास्ता तैयार कर दिया। जो कोई व्यक्ति उस रास्ते में से यानी यीशु मसीह के द्वारा होकर जाता है वो उसकी पहुंच सीधा परमेश्वर तक होती है, और जो व्यक्ति यीशु मसीह पर नहीं विश्वास करता उसका क्या होता है, वो सीधा जाता है नरक में, ठीक है। तो क्या होता है कि जब तक तो ये जो है यीशु मसीह नहीं आया था तब तक जितने भी पवित्र लोग जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार धन्यवाद पूर्वक एक जीवन जीते थे वो लोग जाते थे, उनकी आत्माएं जाती थी, लोग नहीं, उनकी आत्माएं कहाँ जाती थी, कहाँ जाती थी, अब्राहम की गोद में, कहाँ पर, अब्राहम की गोद में, ठीक है। अगर आप लोगों ने उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ी है तो विश्वासियों का पिता कौन कहलाता है, अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाता है, क्योंकि आदम के बाद अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। आदम से लेकर अब्राहम तक जो जनता है, जो लोग हैं परमेश्वर के द्वारा बनाए गए लोग, वो परमेश्वर के पीछे नहीं चले, वो अपनी मर्जी से जीवन जीते रहे, लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर की आवाज़ को सुना, इसलिए परमेश्वर ने यह ठहराया कि अब्राहम जो है वो सभी विश्वासियों का पिता कहलाएगा, ठीक है। विश्वास के द्वारा विश्वासियों का पिता, आज हमारा भी, हम भी अब्राहम को अब्राहम कह सकते हैं, विश्वासियों का पिता, ठीक है। लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके लेखे में इस बात को धार्मिकता गिना, ठीक है। तो इसलिए उस जगह को क्या कहा जाता है जहां पर यीशु मसीह के आने से पहले आत्माएं जाकर अपने उद्धार का इंतजार करती थी, क्या कहा जाता है, अब्राहम की गोद, ठीक है। तो सारे पवित्र जो आत्माएं जो पवित्रता की दशा में मरती थी वो जाती थी अब्राहम की गोद में, और अब्राहम की गोद और नर्क के बीच में वचन कहता है कि एक बहुत बड़ा क्या है, खड्डा और खाई है, कि जो नरक से हैं वो अब्राहम की गोद में ना सके और अब्राहम की गोद में जो हैं वो नरक में ना जा सके, ठीक है। तो अब क्या होता है, उसके बाद वो धनवान व्यक्ति क्या कहता है, उसने कहा तो हे पिता मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे, यानी उसका क्या नाम, उसको निर्धन को मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं और वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वो भी इस पीड़ा की जगह में आ जाएं, ठीक है।
अब इससे क्या सीख मिलती है, आप ध्यान से देना, ये व्यक्ति नरक में पड़ा है और नरक में पड़ा हुआ ये क्या कह रहा है कि मेरे कितने भाई हैं, पांच भाई हैं मेरे। यानी आप इस बात की गंभीरता को समझो, नरक में जब एक व्यक्ति पहुंच जाता है, उसकी आत्मा पहुंच जाती है, तो उसे ध्यान रहता है कि उसने पृथ्वी पर क्या क्या किया और उसके कितने भाई हैं। ठीक है, आप सोचिए कि आज यहां पर दुनिया में जितने व्यक्ति हैं, समझिए एक व्यक्ति है, आपका कोई रिश्तेदार ले लो, हमारा कोई रिश्तेदार ले लो, ठीक है, अब समझो कि वो मर के नरक में पहुंच गया, तो उसको याद रहेगा कि यार मेरे बच्चे भी हैं, मेरे बच्चे वहां पर, वो भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं, वो भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर रहे, और वो भी उनके, उनको भी बताया जा रहा है कि विश्वास करो, लेकिन वो विश्वास नहीं कर रहे। ठीक है, आप सोचो कितनी गंभीर बात है, आपको याद रहता है कि आपके पास कितनी बार सुसमाचार सुनाने के लिए व्यक्ति आए, कितनी बार आपको बताया गया कि भैया ये परमेश्वर का वचन है, जीवित परमेश्वर है, विश्वास करो, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। नरक में तड़पते हुए उन्हें इस बात का याद रहेगा कि हमें बार बार बताया गया था विश्वास करो, लेकिन हमने विश्वास नहीं किया। सोचो कितनी गंभीर बात है, वहां पर याद रहेगा कि हमारे परिवार में कितने सदस्य थे, हमारे कितने भाई हैं, हमारी कितनी बहनें, सब कुछ याद रहेगा, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। एक बार वहां पहुंच गए तो फिर कोई वापसी नहीं है। पृथ्वी पर रहते हुए ही समय है, जब तक समय है खोजबीन कर लो, जांच लो, परख लो कि क्या वाकई में ये सच है, वाकई में ये सच है कि नहीं है। एक बार प्राण छूट गए फिर कोई वापसी नहीं है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इसको मेरे पिता के घर भेज क्योंकि मेरे पांच भाई हैं, और ऐसा ना हो कि वो भी इस पीड़ा की जगह पर आ जाएं। तो अब्राहम ने कहा कि उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वो उनको पढ़ें। और उसने कहा कि नहीं, उसने कहा हे पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो ही वो मन फिराएंगे। ठीक है, उसने कहा कि जब वे भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते मत तो वो मरे। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि पिता उसको किसी को भेज दे मेरे भाइयों के पास। तो अब्राहम क्या कहता है कि उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें, बाइबल है उनके पास। ठीक है, अब जो व्यक्ति इसको पढ़कर, ये संसार में एकमात्र ऐसी पुस्तक है, क्या आपको पता है, बाइबल अपने जैसी संसार में एकमात्र पुस्तक है, इसके जैसी दुनिया में और कोई पुस्तक नहीं है। सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब, सबसे ज़्यादा छपने वाली किताब और सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली एकमात्र पुस्तक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है इसका, बाइबल का, और कोई पुस्तक नहीं है। और जो व्यक्ति ऐसी किताब को नकारता है, ऐसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं समझता, उसके पास अगर कोई कब्र में से जिंदा होकर भी पहुंच जाए ना और बोले कि मैं मरे हुए में से जिंदा होकर आया हूँ, मेरी बात मानो और बाइबल पढ़ो, वो उसको भी नहीं पढ़ेगा। ठीक है, ये जो मैं आज पढ़ रहा हूँ बाइबल को, इसके वचन पढ़ रहा हूँ, ये क्या है, ये खुद परमेश्वर का वचन है, ये जीवित वचन है। जो व्यक्ति इसकी नहीं मानेगा, उसके पास अगर कोई मरा हुआ इंसान भी जिंदा होकर पहुंच जाए ना, बोले कि मैं नरक से वापस होकर आया हूँ, इसकी मानो, तो वो उसकी भी नहीं मानेगा। ठीक है, तो आज हमारा क्या फर्ज है, आप सोचिए, अगर जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, सुन रहे भाभी, अगर समझो कि आपके रिश्तेदार हैं, दूर दूर के रिश्तेदार, आपको पता है कि उन्होंने जहर पी लिया है, क्या है, आपको पता है कि उन्होंने जहर पी लिया है और वो मर रहे हैं, धीमी मौत मर रहे हैं। ठीक है, और आपके पास उस जहर से बचाने वाली दवाई है, तो उस दवाई को अपने प्रियजनों को देने के लिए, उनको पिलाने के लिए आप क्या क्या करोगे, क्या क्या करोगे, जहर पी लिया, जहर की शीशी पी ली है, आपके किसी अपने ने जहर की शीशी पी ली और उसे पता नहीं है कि उसे जहर पी लिया है, और आपके पास उस जहर से बचाने की दवाई है, तो उस दवाई को अपने उस प्रियजन को पिलाने के लिए आप कितना प्रयास करोगे, बहुत प्रयास करोगे, आपको आपका बस चले, आप जबरदस्ती उसका मुंह खोल के उसके मुंह में दवाई फेंक दोगे कि किसी तरीके से बच जाए। ठीक है, वैसे ही आज जितने लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वो भी धीमी मौत मर रहे हैं, वो भी कहां पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, कहां जाने की तैयारी कर रहे हो, उनकी कहां जाने की तैयारी है, नरक में जाने की तैयारी है, और हमें पता है कि वो धीमी मौत मर रहे हैं और एक ना एक दिन वो नरक में पहुंच जाएंगे, तो उनको बचाने के लिए कितना प्रयास करते हैं, करते हैं ना, करना चाहिए, बहुत प्रयास करते हैं। ठीक है, मेरी बड़ी बहन है, वो मतलब बहुत कट्टर थी, वो उसके घर में जब मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता था तो वो मेरे को धक्के मार के निकाल देती थी, कहते मेरे घर में नाम भी नहीं लेना इसका। हाँ, कितनी बार लड़ाई हुई हमारी, कितनी बार वो रोई मेरे सामने, मेरे घर में तो हम तो मैं तो देवी को मानती हूँ, मैं तो सारे, और उसके ऊपर मेरे जीजा की बहन आती थी, मेरी बहन के ऊपर, और जब आती है, हाँ,
और जब आती थी ना तो वो पूर्व, अरे वो बात की बात है, वो छोड़ो, वो बात की बात है, वो कोई बहन थी नहीं, वो तो दूसरा दुष्ट आत्मा थी, वो तो दुष्ट आत्मा है, मरा हुआ इंसान कभी वापस नहीं आता, कोई भी हो चाहे। और के बाद वो फूंक देता है। हाँ ठीक है, तो सही है। हाँ तभी तो वो मतलब कहने का मतलब कि इतना उसके उसके जो बत्ती है ना वो सारा 24 घंटे चलती रहती थी, तो ऐसी मैं गाली खाता था उससे, लड़ाई करता था, लेकिन फिर भी जितनी बार मैं जाता था उसको हाँ तो ऐसा था, जितनी बार मैं जाता था हर बार लड़ाई करके मेरे को धक्के मार के मैं अगली बार जाता था, फिर वही बोलता था, फिर वो लड़ाई करके फिर भगा देती, फिर वो 5-6 साल तक समझाता रहा। तब कहीं जाकर जब क्या हुआ कि जब उसको इतना परेशान हो गई, वो जब उसको वो जो दुष्ट आत्मा लगी थी ना, वो इतना उसके सारे शरीर में दर्द, हाँ बाँह में दर्द, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, डॉक्टर के पास गई, वहाँ इलाज फेल, दवाइयाँ खा खा के इलाज फेल, और जब क्या नाम उसका एक तांत्रिक के पास गई, उसने बोला 15,000 रुपये दो और मैं तुम्हारे को ठीक कर दूंगा, था उसने पता क्या बोला, कहती 15 नहीं मैं 20,000 दूंगी लेकिन मुझे लिख के दो के ठीक हो जाएगा, उसने बोला भैया लिख के तो मैं नहीं दे सकता, हाँ ठीक है, तब मैंने उसको बोला मैं लिख के देता हूँ, मैं लिख के दूंगा कि तो अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगी तो ये सारा कुछ आज़ाद हो जाएगा और कोई बदन में दर्द नहीं रहेगा, कोई दुष्टात्मा कभी नहीं आएगी, मैंने बोला मैं लिख के देता हूँ क्योंकि मुझे घमंड है मेरे परमेश्वर पर, मुझे विश्वास है मेरे परमेश्वर पर, और उसने बोला ठीक है विनोद अगर तो ऐसे बोलती तो मैं विश्वास करने को तैयार हूँ, उसने विश्वास करा प्रभु यीशु मसीह पर और उसी वक्त उसके लिए प्रार्थना कराई, उसी वक्त छुटकारा किया, और उस वक्त से अब तक 1.5 साल हो गया, अभी तक दोबारा कभी उसको वो भूत नहीं आया, कोई पिशाच नहीं आया, और कभी उसको दवाइयाँ बंद हो गई, लेकिन वो जो भूत पिशाच वाली प्रॉब्लम थी ना वो प्रॉब्लम उसकी खत्म हो गई, ठीक है, और वो दिन रात जो परेशान रहती थी, डरी रहती थी कि अभी मेरे पे वो आत्मा ना आ जाए, वो भूत ना आ जाए, वो पिशाच ना आ जाए, वो सब खत्म हो गया, और इतना आज़ाद है अपने घर परिवार में, आज़ाद है कि एक आस है, मतलब कभी ये नहीं है कि कभी किसी तांत्रिक के पास चले गए, कभी फलाने मंदिर चले गए, कभी फलाना बना दिया, कभी ये कर दिया, कभी बकिया के पास चले गए, उस सब से आज़ाद है, मतलब ये है कि जब समस्या होती है घर में बैठ के प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर हमारी मदद करो, और वहीं पर उसका समाधान उनको मिल जाता है, ठीक है, तो मतलब ये है कि उनको इतना कोई वो नहीं है, मतलब आज़ाद हैं, फ्री हैं, और वो तब से जब से कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास किया, ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन है, हमारा परमेश्वर, और सबसे बड़ा है हमारे परमेश्वर का वचन, तो हमारा ये फ़र्ज है कि हमारे जितने भी प्रियजन हैं, हमारे जितने भी जानने पहचानने वाले हैं जो कि धीमी मौत मर रहे हैं, जो उस नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं, हमारा फ़र्ज है कि हम तब तक उनको समझाते रहें, तब तक उनको बताते रहें जब तक कि वो इस पर विश्वास ना कर लें, ठीक है, परमेश्वर हम सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं आज के सारे दिन के लिए, प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, आपने सौभाग्य हमें दिया मेरे परमेश्वर पिता कि मेरे प्रभु जी हम आपके अति पवित्र अति सामर्थी मेरे प्रभु जी और मेरे प्रभु जी एकमात्र प्रिय नाम का मेरे प्रभु जी हम धन्यवाद कर सकें और आपके पवित्र नाम की बढ़ाई कर सकें मेरे प्रभु परमेश्वर, मेरे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम मेरे प्रभु जी उन भटके हुए लोगों में नहीं है मेरे प्रभु परमेश्वर जो आपके पवित्र वचन को नहीं जानते और अपनी मर्जी से जीवन जीते हैं प्रभु परमेश्वर, बल्कि आपने हमें उन चुनिंदा लोगों में से रखा, आपने ये चुनाव हम पर दिया मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने हमें चुना मेरे प्रभु जी उस स्वर्ग के वारिस होने के लिए मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने हमें चुना मेरे प्रभु परमेश्वर कि हम आपके शक्तिशाली वचन को लेकर मेरे प्रभु जी उसके द्वारा मेरे प्रभु जी उसकी सामर्थ्य से मेरे प्रभु जी हम इस संसार को मेरे प्रभु जी अवगत कराएं प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर इस सौभाग्य के लिए मेरे प्रभु परमेश्वर, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस वक्त हम मांगते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, जितने भी लोग इस वक्त यहां पर जमा हैं हर एक पर मेरे प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अभी और इसी मांग लेते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा की आग उतरने पाए मेरे प्रभु परमेश्वर हर एक जन पर इसी वक्त मेरे प्रभु परमेश्वर, आपका सेवक होने के नाते आपका दास होने के नाते मेरे प्रभु जी मैं पवित्र आत्मा की आग को इसी वक्त इस जगह पर मांगता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा की आग को उतारिए मेरे प्रभु परमेश्वर, मेरे प्रभु जी आपकी शक्ति और सामर्थ्य यहां पर मौजूद हर एक जन इस वक्त भर जाए मेरे प्रभु परमेश्वर, और इस वक्त मेरे प्रभु जी इस समय से मेरे प्रभु जी जीवनों में बदलाव आने शुरू हो मेरे प्रभु परमेश्वर, अगर कोई कमी या घटी मेरे प्रभु जी हमारे जीवनों में इस वक्त है, यहां पर मौजूद लोगों में से किसी के जीवन में भी इस वक्त कोई भी कमी घटी है मेरे प्रभु परमेश्वर, इस वक्त से मेरे प्रभु परमेश्वर वो कमी निकल जाए मेरे प्रभु परमेश्वर, यहां पर मौजूद हर एक जन को आप योग्य बनाइए, पवित्र बनाइए मेरे
प्रभु परमेश्वर, ताकि हमारे प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रभु जी जब बादलों पर हमें लेने के लिए आए मेरे प्रभु जी, तो हम मेरे प्रभु जी बहुत गर्व के साथ और आनंद के साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरे प्रभु जी बादलों पर मेरे प्रभु जी उस स्वर्गीय घर में जाए मेरे प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए तैयार किया है। मेरे प्रभु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज जो वचन हमारे बीच में बोया गया उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। आपका वचन कहता है मेरे प्रभु परमेश्वर कि मेरे प्रभु जी जहां पर आपका वचन है वहां पर छुटकारा है मेरे प्रभु परमेश्वर। आपके पवित्र वचन की सीख और शिक्षा मेरे प्रभु जी हमारे हृदयों में घर कर जाए मेरे प्रभु परमेश्वर, और किसी भी रीति से शैतान उस वचन की सामर्थ को और शिक्षा को चुराने ना पाए मेरे प्रभु परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं यहाँ पर मौजूद हर एक जन को, उनके परिवारों को और परिवार के बच्चों को हम आपकी सुरक्षा में सौंपते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। शैतान किसी भी रीति से किसी भी जन को नुकसान ना पहुंचाने पाए मेरे प्रभु परमेश्वर। अगर परिवारों में किसी व्यक्ति पर कोई बीमारी है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, वो इसी वक्त पूरी तरह से चंगाई पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु जी, इसी वक्त पूरी तरह से छुटकारा पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। आज की सारी सभा को हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु जी, अब से लेकर आने वाले सारे समय के लिए यहाँ पर मौजूद हर एक जन और उनके परिवारों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। आप चलाइए, आप बढ़ाइए और योग्य बनाइए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए, और हर एक जन बोले आमीन।